साथियों नमस्कार, मेरा नाम कप्तान सैनी सफ़ेदों से हूँ। मैंने कल एक संदीप डांडा है उसकी वीडियो देखी थी और वो ये कह रहा था कि जींद रैली में जो भी आवे अपने सोच समझ कर आइयो, घर क्या कह कर आइयो, माँ बाप से परमिशन ले कर आइयो। तो मेरा उस भाई संदीप डांडा को जवाब है, मैं सरफाबाद से बिलोंग करता हूँ, सफ़ेदों के पास है। अरे राजकुमार की तो बात दूर है, मैं एक उसका सेना का छोटा सिपाही हूँ। तू पहला दो हाथ मेरे गिल कर ले, मेरे साथ कर तो दो हाथ है और फिर देखते हैं तेरे को के करेगा तू 26 तारीख ने। राजकुमार सैनी ने नुकाया था भाई 35 बिरादरी को अपने साथ में लेकर चलना है और थामे मारे सिर पे पां टेक रहे हो कती सिर पे पां। अरे छुट्टी है भाई, थाम जनसभा करने लग रहे हो जो सही है, हमने कोई दिक्कत नहीं है, थाम चे बिन्ने के 32 दिन तक जनसभा कराओ, हमारा समाज का कोई बंदा बीच में रोड नहीं डालोगा और फिर हम जनसभा करें थारे के चुतरा में खाज उठे है, यह बताओ। और रही 26 नवंबर ने देखने की बात, थारे ते खुली चुनौती है, जो कुछ भी हो ना वो हमारा बाल पाट लियो थम, ठीक से ना। हाँ और राजकुमार सैनी तो दूर रहा, थम राजकुमार सैनी के एक सिपाही के भी नहीं हाथ ला सकते, एक सिपाही के रामू कौन कह कर दे भाई, अपना घर पूछ का आइयो भाई, थारी मर्जी है, हमने रोकना चाहो तो रोक के देख लियो, छुट्टी है थारी, थारे के लिए के बनेगी, ठीक से ना भाई। हाँ और उन्होंने को था बोला अंधेरे में क्यों वीडियो बनाओ भाई, चंदने में बनाओ, देख कती चंदने में बनाने लग रहे हैं, छुट्टी है भाई कती संदीप डांडा स्पेशल तन्ने कद्दे आज कद्दे टकरा लिए, किसी टाइम टकरा लिए रे, कप्तान सैनी नाम है सरफाबाद का हूँ, छुट्टी है तेरी। और हमने आज तक थारे जगपाल मलिक पर कोई कमेंट नहीं कराया है और नाम करना चाहते, जो ओकर है उन्हें बढ़िया लग गया, वो करने दे हमने क्या दिक्कत है। और फिर जब थम मारे के लिया या गलत करो हो ना बर्दाश्त नहीं होती, थारी बहुत सुन ली है ये कमेंट कमेंट ही तो आर पार की लड़ाई है 26 तारीख ने, कती खुली चुनौती है भाई ने, कदे टकरा लिए सब मैं पहली कुर्सी बैठे पाऊंगा, अगले कान मंच पे सब ते पहला जाऊंगा रे, आज ये मन्ने रोक लिए तू, और की तो दूसरी बात रही, 7:30 बजे पहुंच जाऊंगा उड़े, दूसरे की तो बात रही, तू मन्ने रोक लिए अगले ने, और तू जुन से रोड पे कंधा उस रोड पे गाऊं मैं, अरे इकला आऊंगा, ठीक से ना। हाँ राजकुमार सैनी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा भाई।